सुप्रभात, मैं मंगला भवर, केटेचम महाविद्यालय नासिक। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन तथा काल नामकरण का अध्ययन करेंगे। इसमें हिंदी साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार हुआ है। हिंदी साहित्य के समग्र इतिहास का अवलोकन एवं अध्ययन करने के पूर्व उसके काल विभाजन और विभिन्न काल विभागों के नामकरण के विषय में विचार करना अति आवश्यक है। इसलिए हम काल विभाजन देखते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाए इस संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। मानव मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी कालावधि को सामान्यतः तीन भागों में विभाजित किया जाता है। एक है आदि यानी प्रारंभिक काल, दूसरा है मध्य और तीसरा है अंत या आधुनिक काल। जहाँ तक साहित्य का संबंध है, साहित्य के इतिहास का काल विभाजन साधारणतः कृति, कर्ता, पद्धति और विवेच्य विषय को दृष्टि सम्मुख रखकर कर लिया जाता है। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह विचार समीचीन लगता है। वह इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी पूर्वोक्त अवधारणा के अनुसार हिंदी साहित्य के लगभग 900 वर्षों के इतिहास को निम्नांकित चार कालों में विभाजित किया है। वह है चार काल, आदि काल यानी वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल संवत 1375 से 1700, तीसरा है उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल संवत 1700 से 1900, और चौथा है आधुनिक काल यानी गद्य काल संवत 1900 से 1984। उक्त काल वर्गीकरण के विषय में आचार्य शुक्ल ने आगे जाकर यह विचार प्रस्तुत किया है। उनके बाद मिश्र बंधुओं ने भी काल विभाजन अपनी पद्धति से किया है। मिश्र बंधु ने जो काल विभाजन किया वो इस प्रकार है। आरंभ काल, आरंभ काल में दो भाग है। वह है पूर्वारंभिक काल 700 से 1343 संवत, दूसरा है उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 तक माध्यमिक काल है। माध्यमिक काल के भी दो भाग है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तीसरा है अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। चौथा है परिवर्तन काल और पांचवा है वर्तमान काल। इस प्रकार हम महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और मिश्र बंधुओं के काल विभाजन का हमने अध्ययन किया। अब देखते हैं काल नामकरण। काल नामकरण में सामान्यतः साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कृति, कर्ता, पद्धति और विषय की दृष्टि से कर लिया जाता है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति पैदा होती है कि नामकरण के किसी सुदृढ़ आधार के अभाव में संबंधित काल के किसी मूर्धन्य या ख्यात नाम साहित्यकार के आधार पर नामकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए भारतेंदु के नाम पर भारतेंदु युग, द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग,
प्रसाद के नाम पर, प्रसाद युग आदि। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साहित्य सर्जन की प्रधान शैलियों के आधार पर, शैलियों को आधार बनाकर काल विभाजन किया जाता है। उदाहरण अर्थ, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग आदि। इसके सिवा नामकरण के मूल में मानव मनोविज्ञान और तत्कालीन साहित्य की कोई प्रमुख प्रवृत्ति भी निहित होती है। उदाहरण अर्थ, हिंदी के आदि काल के नामकरण को ही लीजिए। आचार्य शुक्ल जी ने निम्नांकित 12 ग्रंथों के आधार पर इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया है। वे 12 ग्रंथ इस प्रकार है, उसमें अपभ्रंश जो ग्रंथ है या काव्य है वह ये है, विजयपाल रासो संवत 1350 नल्ल सिंह। दूसरा है हमीर रासो संवत 1357 शारंगधर। तीसरा है कीर्तिलता संवत 1460 विद्यापति। चौथा है कीर्ति पताका संवत 1460 विद्यापति। उसी प्रकार देशभाषा काव्य इस प्रकार है, खुमान रासो संवत 1180 से 1205 दलपति विजय। दूसरा है बिसलदेव रासो संवत 1292 नरपति नाल। तीसरा है पृथ्वीराज रासो संवत 1225 से 1249 चंदबरदाई। आगे का है जयचंद्र प्रकाश संवत 1225 भट्ट केदार। आगे का जय मयंक जसचंद्रिका संवत 1240 मधुकर कवि। परमाल रासो अल्लाह खंड संवत 1230 जगने। खुसरो की पहलिया आदि संवत 1230 अमीर खुसरो। विद्यापति की पदावली संवत 1460 विद्यापति। इस प्रकार नामकरण दिया गया है, काल नामकरण दिया गया है। आगे देखते हैं आधुनिक काल के तीन भाग हैं, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वो बताते हैं कि आधुनिक काल को तीन भागों में बांटकर उन्हें क्रमशः प्रथम द्वितीय तथा तृतीय उत्थान के नामों से अभिहित किया है। इन विभागों को यद्यपि उन्होंने कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया है, किंतु प्रथम और द्वितीय उत्थान को क्रमशः भारतेंदु काल और द्विवेदी काल के नाम से अभिहित करने का अप्रत्यक्ष संकेत अवश्य दिया है। तृतीय उत्थान को उन्होंने उसके प्रवाहमय रूप को देखते हुए अनाम ही रखा है। अभी संक्षेप में आदिकाल का प्रारंभ इस प्रकार है, आदिकाल का प्रारंभ हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के आरंभ का प्रश्न अत्यंत विवादास्पद रहा है। इस प्रश्न को लेकर विद्वानों में इतनी मतभिन्नता है कि यह निर्धारित करना कठिन है कि हिंदी का प्रारंभ कब से माना जाए। अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत है कि हिंदी का प्रारंभ विक्रम संवत 770 से माना जाना चाहिए। इसके लिए शिव सिंह सरोज के इस उल्लेख का आधार लिया जाता है कि तत्कालीन राजा मान राजा भोज के पूर्वज के सभासद पुष्कक नामक कवि ने दोहों में कोई अलंकार ग्रंथ रचा था। इसका काल
770 या इससे भी कुछ पूर्व माना जाता है, किंतु पृष्ठ प्रमाण के अभाव में इस आधार को ग्राह्य नहीं माना जा सकता। आचार्य शुक्ल ने भी इस वास्तविकता से अपनी सहमति प्रकट की है। अभी आगे हम आदिकाल के विविध नाम देखते हैं। वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल ने दिया हुआ है, तो देखते हैं आदिकाल के विविध नाम। आदिकाल के नाम की समस्या भी विवादग्रस्त रही है। इस काल के लिए भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम प्रस्तुत किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत किया गया हिंदी साहित्य का काल विभाजन तो सर्वानुमति से स्वीकार किया गया है, किंतु नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। विशेषतः हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नाम तो सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। आचार्य शुक्ल जी ने संभवतः इस काल की रचनाओं में वीर रस का प्राधान्य देकर इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा है, किंतु जिन 12 ग्रंथों के आधार पर उन्होंने इस काल को वीरगाथा काल कहना उचित समझा है, उनमें से कुछ तो अप्राप्य है, कुछ की प्रामाणिकता संदिग्ध है, कुछ नोटिस मात्र है और कुछ का वीरगाथा वर्णन से किसी भी प्रकार से सीधा संबंध नहीं है। साथ ही वीरगाथा काल नाम देने में यह दोष भी है कि इस काल की बौद्ध सिद्धों योगी नाथों और जैन मुनियों की महत्वपूर्ण रचनाएं उपेक्षित रह जाती है, अतः शुक्ल का वीरगाथा काल नाम भ्रामक एवं अनुपयुक्त प्रतीत होता है। दूसरा है अपभ्रंश काल, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा अपभ्रंश काल ये नाम दिया गया है, तो देखते हैं श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी तथा धीरेन्द्र वर्मा इस काल को अपभ्रंश काल नाम देना उचित समझते हैं। वस्तुतः यह नाम भाषा के प्राधान्य पर आधारित है, वह किसी साहित्यिक प्रवृत्ति को सूचित नहीं करता, अतः यह भी भ्रामक होने से स्वीकारनीय नहीं है। आगे का है डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने संधिकाल और चारणकाल जो नामकरण किया है, तो उसके बारे में देखिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को संधिकाल और चारणकाल इन दो भागों में विभाजित करके उसके दो नाम निश्चित किए हैं। हिंदी साहित्य के जिस काल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है, उसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहना उपयुक्त समझा है, किंतु इसके पूर्ववर्ती काल को उन्होंने संधिकाल नाम दिया है, जिसमें सिद्धों और जैन कवियों की रचनाएं समाविष्ट है, परंतु ये दोनों नाम उपयुक्त प्रतीत नहीं होते, क्योंकि संधिकाल से दो भाषाओं तथा शैलियों की संधि का बोध होता है, किंतु उसमें हिंदी साहित्य के प्रारंभिक स्वरूप का संकेत नहीं मिलता। इसी प्रकार हिंदी साहित्य के प्रारंभ काल के उत्तरार्ध को चारण काल कहना भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि एक तो आज की नई खोजों के प्रकाश में यह सिद्ध नहीं होता कि इस काल के चारण कवियों का ही प्राधान्य रहा हो। दूसरी बात यह कि चारण कवियों की जिन रचनाओं के आधार पर ये नाम दिया गया है,
वे सभी प्रामाणिक नहीं है। उसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा दिया गया नाम आदि काल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदि काल कहना ही उपयुक्त समझा है, किंतु यह नाम भी भ्रामक है तथा हमारा ध्यान तत्कालीन किसी साहित्य प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट करने में वह असमर्थ प्रतीत होता है। उसके बाद है धीरेन्द्र वर्मा द्वारा हिंदी वीर काव्य का काल, इसके बारे में देखते हैं। धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी के इस युग को वीर गाथा काल न कहकर हिंदी वीर गाथा काल संबोधित करना अधिक उचित समझा, क्योंकि उनकी राय में इस युग में हिंदी के वीर काव्यों का सृजन ही अधिक मात्रा में हुआ था। महापंडित राहुल संकृतायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। उनके मत में 8वीं शती से लेकर 12वीं शती तक के हिंदी साहित्य में दो प्रकार की कविताएं उपलब्ध होती है, एक है सिद्धों की वाणी और दूसरी है सामंतों की स्तुति परक रचनाएं। किंतु राहुल जी का यह नामकरण भी सर्वथा समीचीन या उचित नहीं है, क्योंकि यह इस काल की सामान्य प्रवृत्ति का सूचक न होकर दो प्रकार की काव्य धाराओं का द्योतक है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के अब तक निर्धारित नाम अनुपयुक्त ही सिद्ध होते हैं। वास्तव में इस काल का ही साहित्यिक प्रवृत्तियों पर अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं डाला जा सका है। ऐसी दशा में हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आदिकाल नाम पर ही संतोष मानना होगा, क्योंकि इसमें विशेषता यह है कि वह किसी विशिष्ट प्रवृत्ति के प्रति अनुचित पक्षपात या अपेक्षा व्यक्त नहीं करता, भले ही वह किसी प्रमुख साहित्य प्रवृत्ति की ओर निर्देश न करता हो। आदिकाल नाम के विकल्प के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सुझाव वीरगाथा काल नाम भी उसकी कुछ त्रुटियों के बावजूद तथा विद्वानों के विरोध करने पर भी स्वीकारा जा सकता है, क्योंकि हिंदी के आदि युग की बहुतांश रचनाएं वीर रसपूर्ण भाव से ओतप्रोत है। धन्यवाद।